अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नो कुकिंग मैंगो कुल्फी की बहुत ही यमी सी रेसिपी। घर की कुछ ही चीजों से आज हम बनाएंगे कुल्फी, आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये कुल्फी जरूर पसंद आएगी। इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज के मैंगो लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश करके इसे रफली कट करके रखा है। ये होममेड मलाई है एक कप, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी ले सकते हैं। ये 4 टेबलस्पून मैंने शक्कर ली है, शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो। ये 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर डालने से कुल्फी अच्छी से क्रीमी हो जाएगी। जार में मैंने मैंगो को ऐड किया है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी शक्कर, इनका अच्छे से मैं एक पेस्ट बना लूंगी। अभी देखिए मैंने इसका एक अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, ऐड करूंगी मलाई, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर, इसको अच्छे से मैं अभी मिक्स कर लूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है, मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून दूध, इसको अभी अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपके पास जो कुल्फी मोल्ड हो आप उसमें इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं, पेपर कप में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ट्रांसफर करूंगी ये मिक्सचर को, अच्छे से ट्रांसफर कर लिया है। अभी मैं इनको ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रखूंगी, आप 6 से 8 घंटे भी रख सकते हैं, मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रखूंगी। ओवरनाइट मैंने इसको फ्रीजर में रखा था, अभी मैं इसे डीमोल्ड करूंगी। देखिए हमारी कुल्फी कितनी अच्छी परफेक्ट जम गई है। पिस्तों से मैंने इसको अच्छे से गार्निश कर लिया है, आप इसे जरूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये कुल्फी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।